यार हाथों की लकीर भी कितनी अजीब है, मुट्ठी में तो है पर काबू में नहीं है। बिल्कुल तुम्हारी जुबान की तरह, तुम्हारे मुंह में तो है लेकिन काबू में नहीं। अरे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे भाई के लिए लड़की देख रहे थे, उन्हें कोई लड़की मिली या नहीं मिली अभी तक? कहाँ मिली यार, आप बता दो आपकी निगाह में हो तो कोई। हमारे ऑफिस में है तो सही, एक बीकॉम की। कॉम कोई सी चलेगी, पढ़ी लिखी होनी चाहिए बस। हेलो। हेलो कौन है? मैं सीता। ओहो यो तो अयोध्या में लग गया, प्रणाम माते। बेलन एक ऐसा औजार है जिससे रोटियां तो गोल होती हैं और पति सीधे। हाँ मम्मी आया मैं। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ जी पुलिस स्टेशन जी, मेरे पति 4 दिन पहले पनीर लेने गए थे, अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। अरे मैडम और सब्जी बना लो या पनीर ही बनाना जरूरी है? सुनो जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो ना तो पहले अपने दिल की सुनो, फिर अपने दिमाग की सुनो और फिर वही करो जो मैं कहती हूँ। अब बहुत सुन लिया अपने दिल की, उसके एक कप चाय बना लो। गजब बेइज्जती। हाँ सुनो, आपने मेरा कंघा लिया क्या? सॉरी, मेरा मतलब आपने यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया। जब बेइज्जती है। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ। कहीं भी जाओ स्वेटर जर्सी पहन के जाना, बाहर बहुत ठंड है, अगर आप बीमार हो तो आपकी खैर नहीं। सुनो ये आपकी कुत्ते की शक्ल शेर की जैसी क्यों हो गई है? शेर ही था वो। तो शादी के बाद उसकी शक्ल कुत्तों की जैसी हो गई। हेलो। हेलो राम राम जी। राम राम जी, मैं स्कूल से मैडम बात कर रही हूँ। हाँ जी मैडम जी। जी आप एक बार कल स्कूल आ जाना। किस लिए? आपका बेटा बहुत शरारत करता है। जी शरारते हो, घर अभी नुए करा है, आपने कदे बुलाए आप घर?